सब्सक्राइब करें जेपी वेब को और पाएं रीसेंट अपडेट्स। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र पाल सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा कि आप HTML और CSS की हेल्प से इस तरह की एक मेन्यू कैसे क्रिएट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से एक मेन्यू नजर आएगी, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अलग अलग बॉर्डर्स नजर आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और फिर ब्लू, और इसके माउस ओवर के ऊपर वही कलर आपको एक्सटेंड होता नजर आएगा। ये देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी HTML और CSS की फाइल रखी है। इन दोनों फाइल्स को मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर चुका हूँ। ये HTML की फाइल और ये CSS की फाइल, और इस CSS फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक कर लिया है। अब बॉडी पार्ट के अंदर हम अपनी एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका क्लास नेम रख देता हूँ कंटेनर। इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ और CSS के अंदर इसे स्टाइल करता हूँ। लेकिन सबसे पहले, बाय डिफॉल्ट मैं मार्जिन और पैडिंग नहीं चाहता हूँ, इसलिए मार्जिन और पैडिंग मैंने 0 पिक्सल सेट कर दी। उसके बाद इस क्लास कंटेनर को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इसका बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि आपको यह नजर आ जाए। इसकी विड्थ रख देता हूँ 100% और हाइट 500 पिक्सल्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि जो भी मैंने इस कंटेनर के अंदर लिखा है, जैसे मेन्यू लिखा है मैंने, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, ब्राउजर के अंदर मैंने अपनी इस फाइल को ओपन किया है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो एक कंटेनर बन चुका है और उसके अंदर का टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी मेन्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट की बजाय नैव टैग क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट, और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम के अंदर एक एंकर टैग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर href के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ हैश। आप यहाँ पे कोई भी लिंक दे सकते हैं, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो जितने भी आपको लिंक्स चाहिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उनका आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, जो भी मैं लिंक्स चाहता हूँ, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल और सर्विसेज। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, एक अनऑर्डर लिस्ट आ चुकी है कुछ लिस्ट आइटम्स के साथ। अब इसे हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं। सबसे पहले नैव को, नैव मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि आपको ये नजर आ जाए। इसकी विड्थ रख देता हूँ 250 पिक्सल्स। सेव और रिफ्रेश, तो ये देखिए 250 पिक्सल विड्थ के साथ ये हमारी नैव बार है। अब इसके बुलेट्स हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, नैव के अंदर ये जो हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है, उसका लिस्ट स्टाइल नन। सेव और रिफ्रेश, तो देखिए बुलेट्स हट चुके हैं। अब इसके अंदर ये जो लिस्ट आइटम्स हैं उनकी स्टाइलिंग करते हैं। नैव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं, सबसे पहले उनका कोई बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूं, ताकि आपको वो नजर आ जाए। तो मैंने लाइट ग्रे सेट कर दिया। सेव और रिफ्रेश, तो ये देखिए लाइट ग्रे यहाँ पे आ रहा है। इसकी मैं विड्थ सेट करके आपको दिखाता हूँ। विड्थ अगर मैं 50% करता हूँ तो यहाँ पे देखिए उसकी विड्थ 50% आ रही है इन लिस्ट आइटम्स की, इसलिए मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ, ताकि जितनी भी विड्थ हो उसके अकॉर्डिंग ये 100% आ जाए। ये देखिए, अब मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ। अब इसके अंदर ये जो लिंक्स हैं हम उनकी स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नैव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स, और उनके अंदर ये जो ए टैग हैं उनकी स्टाइलिंग करेंगे। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर ये जो ए टैग्स हैं उनकी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले इसकी पोजीशन सेट करता हूँ रिलेटिव, इसका कोई बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ,
डार्क ग्रे कर देता हूँ, सेव करके यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो लिंक्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे आ रहा है। इसे हम डिस्प्ले एज ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये पूरे एरिया को कवर करेगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया क्लिकेबल बन जाएगा, लिंक बन जाएगा। और ये लिंक्स हमें काफ़ी छोटे नज़र आ रहे हैं, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, 18 पिक्सल कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे सेट करता हूँ, और ऑस्वाल्ड आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेव और रिफ्रेश। अब यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखिए, लिस्ट आइटम्स की हाइट बढ़ चुकी है, और ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाए उसके लिए लाइन हाइट यूज़ कर लेते हैं, वो भी 50 पिक्सल। सेव और रिफ्रेश। तो ये देखिए, लिस्ट आइटम्स के बिल्कुल सेंटर में वर्टिकली ये आ चुके हैं। इसके टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देता हूँ, कलर ब्लैक, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस ताकि ये अपर केस में नज़र आए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ ताकि नीचे से अंडरलाइन हट जाए। सेव और रिफ्रेश। ये टेक्स्ट बिल्कुल इसके साथ में है, इसे थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे करने के लिए मैं यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट यूज़ कर लेता हूँ कि लेफ्ट साइड से यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग आ जाए, 20 पिक्सल। सेव और रिफ्रेश। अब इसका ये जो मैंने बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे दिया था इसे हटा देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। सेव और रिफ्रेश। जो हमने अनऑर्डर लिस्ट का बैकग्राउंड कलर दिया था वो यहाँ पे आ चुका है लाइट ग्रे, और हमें टेक्स्ट अच्छे से नज़र आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो सभी लिंक्स हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉर्डर देना है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था प्रीव्यू के अंदर, वहाँ पे आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ बॉर्डर्स नज़र आ रहे होंगे अलग अलग कलर के, तो वो स्टाइलिंग अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो उसके लिए इसे कॉपी करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे देखिए टोटल 5 लिंक्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे कि हम किस एलआई टैग पे कौन सा कलर दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अलग अलग एलआई टैग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, nth child यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे first। हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो टोटल 5 एलआई टैग्स हैं उनमें से हमने फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम जो भी कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो हम इजिली यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं बॉर्डर लेफ्ट मींस लेफ्ट साइड पे बॉर्डर सेट कर देता हूँ, 10 पिक्सल सॉलिड, और उसका कलर सेलेक्ट कर देता हूँ ये जो भी मैं रखना चाहता हूँ। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, फर्स्ट लिंक पे इस कलर का मैंने बॉर्डर सेट कर दिया है 10 पिक्सल का। इसी तरह से बाकी के लिए मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ। इनके मैं यहाँ पे कलर्स चेंज कर देता हूँ कि सेकंड टैग के लिए मैं कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसे डिलीट करके मैं इसका ये कलर कोड सेट कर देता हूँ। इसी तरह से इसे डिलीट करके इसका ये कलर कोड रख देता हूँ। इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ का, फोर्थ का ये और फिफ्थ का ये। सेव और रिफ्रेश। तो ये देखिए, सभी लिंक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे बॉर्डर्स आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बॉर्डर सेट किए हैं, तो यहाँ पे मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सेलेक्ट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि जब यूज़र किसी भी लिंक पे माउस ओवर करे तो जो भी यहाँ पे हमने कलर सेट किया हुआ है वो पूरे एरिया को कवर करे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर प्रीव्यू में दिखाया था। इस पे माउस ओवर करेंगे तो ये ब्लू कलर आ जाना चाहिए, इस पे करेंगे तो येलो आना चाहिए, इस पे करेंगे तो ये ऑरेंज टाइप, इस पे ग्रीन और इस पे फिर ब्लू। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे बिफोर या आफ्टर सेलेक्टर यूज करेंगे। बिफोर और आफ्टर सेलेक्टर्स किसी चीज पे एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करने के लिए यूज होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, इसे कॉपी करता हूँ, इसके अंदर जो लिंक है उस पर आफ्टर सेलेक्टर यूज़ करते हैं, कंटेंट ऐड करेंगे यहाँ पे ब्लैंक, इसकी पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट, टॉप ज़ीरो, लेफ्ट ज़ीरो। तो जिस भी टैग पे हम ये आफ्टर सेलेक्टर यूज़ करेंगे, ये कंटेंट वहाँ पे बिल्कुल टॉप लेफ्ट से ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ए टैग के अंदर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये ए टैग इसके टॉप लेफ्ट से वो कंटेंट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कंटेंट क्या ऐड करेंगे, बैकग्राउंड कलर कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और ये बैकग्राउंड कलर विड्थ 100% और हाइट 100% के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो। सेव और रिफ्रेश। तो ये देखिए 100% हाइट और 100% विड्थ के साथ ये हमारे ए टैग के अंदर कंटेंट ऐड हो चुका है। कंटेंट क्या, बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो यही कंसेप्ट होगा कि हम जिस भी चीज़ पर माउस ओवर करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे कलर दिया हुआ है वो यहाँ पे उस एरिया को कवर कर देगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा समझ लगेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि हमने एक कंटेंट ऐड कर दिया है, इसकी विड्थ यहाँ पे 0% कर देते हैं ताकि हमें पहले ये नज़र ना आए। ये देखिए 0% हो चुकी है, इसके ओवर पे हम उसे फिर से 100% कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसे कॉपी करता हूँ, इसके ओवर पे हम इसकी विड्थ 100% सेट कर देते हैं। सेव और रिफ्रेश। तो ये देखिए, माउस ओवर किया जिस भी लिंक पे, उसकी विड्थ 0% से 100% हो चुकी है जो हमने कंटेंट ऐड किया है। ये देखिए, मैं ट्रांजिशन इफेक्ट लगा देता हूँ यहाँ पे, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकंड्स। सेव और रिफ्रेश। तो ये देखिए, ट्रांजिशन के साथ इसकी विड्थ 0% से 100% हो रही है। तो जिस तरह का इफ़ेक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, उसके पीछे यही कंसेप्ट है। हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कलर सेट किया है, माउस ओवर के ऊपर ये जो हमने बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे दिया है, वो हम डार्क ग्रे नहीं देंगे, जो भी हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कलर सेट किया है वही एक्सटेंड करवाएंगे। जैसे यहाँ पे ब्लू, इस पे येलो, इस पे ये और ये। अब हमें बस इसके कलर्स चेंज करने हैं, जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कलर दिया है वही यहाँ पे अपीयर करवाना है। लेकिन उससे पहले आप एक प्रॉब्लम देख रहे होंगे कि माउस ओवर के ऊपर हमारा कंटेंट हाइड हो रहा है, इस बैकग्राउंड कलर के पीछे हमारा कंटेंट है। देखिए, हम माउस हटा रहे हैं तो वो हमें नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने ए टैग क्रिएट किया था, जिसकी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग की थी, हम यहाँ पे जेड इंडेक्स यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ 1, ताकि ये ए टैग सबसे ऊपर नज़र आए। और जो हमने यहाँ पे कंटेंट यूज़ किया है यहाँ पे, इसका जेड इंडेक्स उससे कम सेट कर देता हूँ, -1 सेट कर देता हूँ। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए, अब आपको कंटेंट भी नज़र आ रहा है, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब इनके कलर्स चेंज करते हैं और हमारा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है, हम इसे कॉपी करते हैं, ये जो हमने नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सेट किए थे, इसे कॉपी किया, यहाँ पे लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सभी के बाद आफ्टर सेलेक्टर यूज़ करेंगे, डबल कॉलन आफ्टर। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट के बजाय हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ और यहाँ पे सभी पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। जो भी हमने ऊपर फर्स्ट के लिए यूज़ किया था वही यहाँ पे आ चुका है, सेकंड के लिए जो हमने कलर कोड सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे, इसी तरह से सभी पे।
सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, माउस ओवर किया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे कलर आ रहा था वो एक्सटेंड हो चुका है। अब मैं नीचे वाले पे माउस ओवर करूँगा, जिसका लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा येलो कलर का। मैं माउस करता हूँ तो देखिए पूरा एक्सटेंड हो चुका है। तो जिस तरह का प्रीव्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वही चीज़ अब आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे फाइनली इस कंटेनर का बॉर्डर हटा देता हूँ। सेव और रिफ्रेश। तो इस तरह से आप एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से ओवर इफेक्ट्स के साथ। इस तरह की मेन्यू नॉर्मली वेबसाइट के लेफ्ट हैंड साइड पे बेटर दिखती हैं। तो आप इस तरह के मेन्यू क्रिएट करके उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इसी तरह के HTML और CSS में बने हुए और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक चेक कर सकते हैं। वो लिंक एक प्लेलिस्ट का है, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इसी तरह से HTML और CSS की हेल्प से और भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट बनाए हुए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।